Ooh. Mm -hmm. बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज मेरा मौजू है इस हमारे सेगमेंट में गुरबत के खात्मे के आर्मी दिन के हवाले से इस पर थोड़ी तमहीद मैं लूंगा लेकिन उससे पहले अपने स्टूडियोज़ में मौजूद मज़स मेहमानों से आपको तारुफ करवाता चलूँ बहुत खूबसूरत आज मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं गुफ्तु करने के लिए शाहिद लोन साहब हैं चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट इनको वार्मली वेलकम करेंगे सर असल आप माशा इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं मौलाना असद महमूद सल्फी साहब आलमदीन हैं इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे सर असल करें। सर आप भी खैरियत से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह <laughs> मुझे आज बात करनी है सेवनटीन अक्टूबर जो गुरबत का आलमी दिन है इसके मनाने का मकसद क्या है इस पर बात करने की वजह क्या है हम इस पर गुफ्तु क्यों कर रहे हैं कोविड के बाद से जो हालात चेंज हुए हैं उसमें तफसी कुछ यूँ आती है कि अभी सतह गुरबत की जो लाइन है उसकी रिकॉर्ड टूटने के करीब जा सकते हैं जो तीस साल पहले के हालात थे उस तक दोबारा जा सकते हैं क्योंकि ऐसा अखलात पैदा हुआ है जो गरीब है ग़रीब तर होता गया है अमीर उसकी रकम उसकी सेविंग उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसके जरा आमदन बढ़ते ही गए हैं इतना बड़ा खलीज बन गया है कि एक सफ़ेद पोष को ज़िंदा रहना मुश्किल है कहीं ख़ुराक मयसर नहीं है तो कहीं पानी मैसर नहीं है और फिर उसके बाद जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है आपको सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल हैं ये सारी चीज़ें हैं दीन इस्लाम हमें किस तरह से मदद करने के लिए कहता है और जो ऐसे हमारे पास बड़ी शख्सियात मौजूद हैं जिनका मैंने आपको तारफ़ करवाया ये किस तरह से इस माशरे में काम कर रहे हैं तो इसको आगाज़ की तरफ़ ले कर चलूँगा टॉपिक को सर आपकी तरफ मैं आऊँगा आगाज़ में फरमाइएगा कि जो साफ़ पानी है इसकी रसाई मुश्किल होती जा रही है अब तो बड़े पौश एरियाज़ में जहाँ पे आप और मैं भी रहते हैं वहाँ पे भी पानी का मिलना मुश्किल होता जा रहा है एक तो ये कि नेचुरल है कि पानी काफ़ी नीचे आ रहा है उसकी मिकदार कम होती जा रही है हमारे अपने बड़े मामला हैं हम बेदरेग इस्तेमाल करते रहें और कर रहे भी हैं अभी भी हम नहीं रोक रहे आ, गरीब की खुराक और पानी की रसाई ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होता जा रहा है मैं गरीब की बात कर रहा हूँ तो क्या कहेंगे इस पर देखिए जो पानी है ना <coughs> दो सिचुएशन से एक है पानी का होना और एक है पानी का साफ होना ड्रिंकेबल होना जी अच्छा पाकिस्तान में दोनों की कमी है और उसकी बेसिकली वजह यह है कि हम रेन हार्वेस्टिंग नहीं करते आपने हर पार्क में आप देखेंगे कि एक ट्यूब लगा हुआ है जो आलमोस्ट बंद है क्योंकि वो जिस गहराई में उससे पानी निकाल रहा था वहाँ से पानी ख़त्म हो गया तो आप ये सोचें कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हीं राहों में दोबारा रेन वाटर जो है वो वापस डाल दें पाइप तो गया हुआ है हमारा वहाँ तक तो हम इसको रीचार्ज कर दें तो अब आप जब पानी कम होता है तो सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें पानी दे जब वो अल्लाह ताला हमें बारिश देता है तो हम पहले से गंदे नाले में फेंकते हैं फिर उसमें डूब जाते हैं तो असल में प्रॉब्लम ये ये है कि जो कुफ़रानी नहमत जो आ, हम कर रही है एज ए कॉम वो उसकी वजह से पानी की सिचुएशन बुरी है आप मस्जिदों में ही देख लें जी अभी मैंने इस्लामाबाद की को मस्जिद देखी है जो कि अपने वज़ू का पानी जो है वो स्टोर करती है और इंडोनेशिया वगैरह में भी इस तरह बहुत ज़्यादा है, इनिशिएटिव्स हैं तो आप सिर्फ ये देख लें कि जितनी मस्जिदों में वज़ू होता है अगर हम इसी का पानी जो है वो उसे हल्का सा फ़िल्टर करके सैंड मीडियम में से निकाल के और कार्बन से निकाल के ज़मीन में डाल दें अगर इनसे निकाल दें फिर तो वैसे मेरा ड्रिंकेबल हो जाएगा लेकिन अगर आप वैसे उसे ऐसे ग्रे वाटर भी यूज़ करें तो आप उसे पौधों के लिए जो है ना पार जो भी पास पार्ट कर, कर, कर यूज़ कर सकते हैं तो एक तो यह है कि एक तो पानी की वो कमी है जिसके तहत इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि दो में हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आने वाले हैं जी जो आपने बात की उसका ताल्लुक टोटल मैनेजमेंट से है आपके पास आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए नीचे से पानी भी अवेलेबल था लेकिन हम उन्हें सही से मैनेज ही नहीं कर सके जिसकी वजह से वो आलमोस्ट या तो इनफेक्टिव हैं या वो फिर बंद पड़े हुए हैं तीसरी चीज़ आगे खाने की तो ऑब्वियसली जिस रेट पे डॉलर चला गया और जहाँ पर वो है तो गरीब को खाने की परेशानी है इस वक्त और ये परेशानी जो है एक ही तरह से ख़त्म हो सकती है कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन और माशरा जो सिविल सोसाइटी है ये मिलकर कोई काम कर सके लेकिन आपको पता ही जो पाकिस्तानी हालात है लेकिन अगर ये मिल के काम करें तो ये मसला जो है हल हो जाएगा क्योंकि जो साइकिल में हम विशर साइकिल में गए हैं ये है एक ख्याल के मुताबिक दस से बारह साल का विशर साइकिल है तो इस साइकिल में आप सबको एक दूसरे को जिंदा रखना है तो कोई ना कोई ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसमें कि गरीब जो है वो सरवाइव करें क्योंकि जो ही इंडस्ट्री दोबारा लगेगी तो फिर आपको लेबर चाहिए होगी ठीक है अब एक छोटी सी मिसाल है मैं अपने इर्द गिर्द की दूँगा पर्सनल एक्सपीरियंसिस भी हम शेयर करते हैं सीखने के लिए हम पानी की जो बात कर रहे हैं मैं अपने जिस एरिए में रहता हूँ उस एरिए में मेरे पास कम अज़ कम पंद्रह से बीस लोगों ने फौरी बोरिंग करवा ली है और वो पानी डीप डाउन निकालना शुरू कर दिया है अब उन बीस को देख के बीस लोग और भी करेंगे ऑल्डो के पानी की प्रॉब्लम है लेकिन मिसमैनेजमेंट है हम एक दूसरे को जिंदा रखेंगे जैसा आपने कहा तो हम रख सकेंगे कोशिश करेंगे वरना फिर सब एक दूसरे की जान के दर पे हो जाएंगे जी प्लीज, जी, प्लीज, जी, प्लीज. ऐसे ऐसे ही है क्राइम रेट बढ़ेगा स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा जी ठीक क्यों क्योंकि ना तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स पे हम इतना गौर कर रहे हैं क्योंकि 90 परसेंट से बब वाटर जो है वो इट इज यूज इन एग्रीकल्चर तो वो भी एफिशेंट नहीं है और जो हम हैं हम भी सेंसिटिव नहीं है तो पानी फिर आएगा कहाँ कहाँ से आएगा साउथ हाँ। अफ्रीका की हमारे सामने एग्जाम्पल है पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती रही पानी खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा अब उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली कह दिया अब पानी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे हमें भी फेस करनी पड़ सकती है अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे बेदरेग इसको इस्तेमाल ना करें सर आपकी तरफ दोबारा हूँगा नबी मुकरम अलैहि असलम गुरबत के ख़ात्मे के लिए हमें बाकायदा एक प्लान भी बता के गए हैं उनकी जो पूरी जद्दुहद है वो मैं चाहूँगा उसके बारे में हमें दर्ज दीजिए जजाकुल्ल ख़ैर अल्हमद वसलाफिल वही इस्लामी तारीख़ से जो भी रसाई रखता है उसे इस्लामी तलीमत के मुतालिक कुछ शूर है उसे एहसास है इस बात का कि मक्के की तेरह साल जिंदगी जो है नबी करीम अलैहि वसल्लम और साथियों ने बड़ी सख्त गुजारी उस में ग़रीब भी लोग थे अच्छे भी थे जो मुसलमान हुए लेकिन जब हिजरत करके मदीना मनवरा में आए ना तो उस वक़्त जिन पास माल भी था ना वो भी छीन लिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से, मदीना मनवरा में आके जो पहला बहसीत सरबराह ममलकत खुतबा दिया था ना उसके चार नुकात थे सबसे पहला नुकता था आपने जो पहले बात की है उसके साथ बह, बड़ा अहम रिलेटेड है आपने फरमाए अफलाम सलाम को आम करो यानी एक दूसरे की सलामती के जामन बनो आगाज़ में ही कह दिया यानी सबसे सब पहली बात ये कही कि एक दूसरे की सलामती के जामन बनो इस्लाम का बुनियादी नुकता ही ये है जब इस्लामी ममलकत बनी थी मदीना मुनवरा में तो उसमें सबसे पहला जो कानून पास हुआ या जो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हुक्म सदर फरमाया वो यही था कि एक दूसरे की सलामती के जामन बनो जी और दूसरा नुकता ये था चूँकि ये महाजरीन आए थे और जो वहाँ के लोग थे उन्हें अंसार कहा गया मददगार जी। और उन्हें ये हुक्म दिया वाह मुत्ताम ये लोग लुटे फटे आए हैं इनके पास कुछ नहीं है इन्हें खिलाओ और तीसरा फरमाया अरहम सिला रहमी करो और फिर उसके बाद कहा सल्लु बिल्ली वन्नासुनियाम रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हैं तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं तीन माशरे के अंदर जब एहसास हो जी तो सर जब आपने मवात मदीना लोगों का भाईचारा बनाया था ना उस वक़्त जो पहले लेन लॉट लोग थे मिसाल के तौर पे मैं अर्ज करता हूँ अब्दाल्रमान बिन ऑफ थे ये लेन लॉट थे मक्का मुकरमा में इनके भाई जिसे बनाया गया उसने कहा जी मैं आदि अपनी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ आदि अपने पास अब लेने वाले क्या हैं उन्होंने कहा जी अल्लाह आपको मुबारक करे मुझे बाजार का रास्ता बताओ अल्लाह और इसी तरह एक और लैंड शख्स थे जिनका नाम हकीम बिन हिज़ाम था जी। ये बेसिकली बड़ी ज़रूरी बात है जो हम सब की सोचने की है हम ये तो कहते हैं कि गुराबा को उनकी मदद होनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं लेकिन नबी करीम सलील वसलम ने उन्हें तरगीब दी थी कि इस रस्ते पर ना चलो कि तुम सिर्फ मांगने वाले बन जाओ हजरत हकीम बिन हिज़ाम तो कहने लगे या अल्लाह की कसम अपने हाथ से काम करूँगा और जो अल्लाह मुझे देगा मैं वही खाऊँगा और अल्ला सर कैफियत ये बनी कि मक्के में कुछ नहीं थे उसके मुकाबले में जो फिर अल्लाह ने रिजक दिया और इस्लामी हुकूमत में ये होता है कि जब ये मुख्तलफ फतूहत हुई हर बंदी का एक मुकर जो है हिस्सा था जो उसे लाजमी मिलना होता था अब उनका भी हिस्सा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुम के दौर में जितनी फतूहत हुई वो उनका हिस्सा लेकर उनके पास गए या उन्हें बुलाया कहने लगे मैं अपने हाथ से जो करूँगा वही खाऊँगा जी फिर उसके बाद हज़रत उमर का दौर आया और वो सारा इकट्ठा हो रहा है हर साल लेकिन उन्होंने हज़रतमर एक दिन अपने सर पर गठड़ी यानी दरमो दिनार की गठड़ी उठा के गए इनका दरवाज़ा खटखटाया कि यह तुम्हारा हक हाँ है ले लो कहने लगे मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया है कि मैं अपने हाथ से जो करूँगा वो खाऊँगा और अल्लाह ने फिर इतनी वसात दी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तु वो एक बोरी ले के बाज़ार में गए थे और अल्लाह ने वसात ये दी कि जब वो इस दुनिया से गए आज चुरंजा करोड़ रुपया जितनी मालियत है इतने उनके थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह सर ये अल्लाह ऐसी नीयत भी हमें दे दे हाँ। और इस तरह करने की तौफीक भी तौफीक हमें दे।, दे। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा मुझे सीखना है बहुत कुछ आपसे सर देखें ये ये दीन हमें ये सिखाता है आपने चूँकि आगाज़ ही जब अल्लाह वाले ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं आगाज़ी ख़ुराक से किया लोगों को खाना फराम करना शुरू किया नादार गरीब ऐसे लोग जो नहीं परचेज़ कर सकते सर मुझे बताइए पाकिस्तान में गुरबत के ख़ात्मे की कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं मुझे ऐड कर लेने दीजिएगा एक तो ये है कि महंगाई है ग्लोबली पूरी दुनिया में हमें नज़र आती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिफरेंट प्लान्स भी करती है अपने नादात लोगों के लिए जैसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं प्रीवियस गमेंट्स ने भी अपने प्रोग्राम बनाए लेकिन सर अगेन वो हल नहीं है मैं देखता हूँ कि एक कोई ऐसा अदारा है और उसके बाहर हज़ारों सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग डेली आते हैं और वो सिर्फ वो थोड़ी सी रकम लेने के लिए आते हैं क्या ये काफ़ी है कि लोगों को सिर्फ ऐसी रकम दे गए थोड़ी सी रकम जो चंद दिन चल जाए इन चीज़ों पे लगा दिया जाए या उनको प्रॉपर रोज़गार देने की कोई प्लान ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए जैसे आसान रोज़गार स्कीम और ये कर्ज़े फराम आप क्या समझते हैं कैसे ख़त्म हो सकती है गुरबत देखिए दो पार्ट्स हैं एक तो आपने कहा कि गुरबत को एड्रेस कैसे किया जा सकता है और फिर आपने दूसरी सजेस्ट किया कि क्या ये बेहतर है कि कुछ और बेहतर है पहले तो एक चीज़ इनमें में रखें कि किसी भी सोसाइटी में एट लार्ज जब उसकी ग्रोथ होती है इकोनॉमी की तो तब आके जॉब्स क्रिएट होती हैं और उसकी लेबर को जॉब मिलती है जी तो जिसमें स्लगिश हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तो स्लो हो या वो बंद हो रही हो जैसे आपके पास का इलाका जितना भी इसमें इंडस्ट्री बंद हो रही है जी। तो उसमें एक डिज़ास्टर की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो पाकिस्तान में है जैसे फैसलाबाद में है या और कई इलाकों में है इंडस्ट्रीज बंद रोजगार अब उनकी हो। लेबर के पास रोज़गार नहीं और जो उनको क्राफ्ट आता था जो उनकी स्किल थी उनकी स्किल की मार्केट जो है वो ख़त्म हो गई एक सिचुएशन दूसरा यह है कि कीपिंग इन व्यू बांग्लादेश मॉडल कि उन्होंने अपनी ख़वातन को जो है या जो लोग थे उनको फैक्ट्रियों में लेकर गए और हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे डाल दिया तो वो लॉन्ग टर्म में हमें यह समझ में आई कि प्रोग्राम जो था इसने बेकारी बना दिया है और वो जो है वो नहीं हो सका तो असल में बात यह है जितने भी बुज़ुर्गों के यहाँ पर बने लंगर उन पे हमेशा उसी ने खाया जिसके पास खाने को नहीं था जो, जो ख़ुदकुशी करने के काबिल यानी सिचुएशन हो गई थी तो बात यह दोनों बिल्कुल डिफरेंट फिन हैं एक एक शहर जिसकी आबादी करोड़ से ऊपर हो तो उसमें को आदमी कितना खाना खिला देगा जी तो लिहाजा इसको ना एट ए लार्जर स्केल उस उस पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए कि जी अगर आप खाना खिलाएंगे तो लोग काम करना छोड़ देंगे क्योंकि हमारे दस्तरखानों पर ज़्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं और ज़्यादातर तादाद जो है वो उनकी है ये जो गार्ड्स हैं आपको पता है उनकी पे अठारह हज़ार रुपया है और उस पर भी वो कमीशन दे देते हैं जो उनको वहाँ पे रखवाते हैं उनकी भी शायद वो, वो इसका इस डिटेल का मुझे आइडिया नहीं लेकिन अट्ठारह से बीस हज़ार सो बात ये है कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि कोई भी ऐसी चीज़ या मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर कि वो दोबारा से काम में शामिल हो सके या उनको कारोबार करवाया जा सके या उनकी स्किल इन्हेंस की जा सके उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन खाना खिला रही हैं वो खाना अभी भी नंबर्स में इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से आप उसे कंपेयर कर सकें किसी नेशनल प्रोग्राम के साथ एग्रेट एग्रेट बिल्कुल जी। बिल्कुल अच्छा सर मुझे पर्सनली एक फ़ील है कि जब हम किसी एक शख्स को बल्कि सर मैं आपको भी शामिल में गुफ्तु रखूँगा किसी एक शख्स को खाना खिलाते हैं रूहानी दिली तस्किन मिलती है आप आपने क्या खिलाना अल्लाह ताला की ज़ात खिलाती है लेकिन जब आप एक बड़े स्केल पे लोगों को जरिया बनते हैं रोज़गार ऐसा कि जो उनको डेली अपनी फैमिली को खाना खिला सकें खुद खा सकें वो क्या फील होती है हमें सीखना है इससे ताकि हमें भी ये जज्बा बढ़ सके अच्छा पहले तो ये है कि जी जो मार्केट साइज है इट्स सो बिग जी कि सुकून तो बहुत है कि आप खिला रहे हैं लेकिन साथ इस तरह आप भी है क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो परेशान हैं और आप आपको समझ नहीं आती कि इनका मसला कैसे हल करें जैसे अभी मैं आपको एक अजीब सी मिसाल देता हूँ अभी हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम मैथ का ख़र्चा भी देते हैं अदर दैन फीस तो मैथ के खर्चे में पता चला कि जो बच्चियाँ हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की और मेडिकल कॉलेज की उनका बिल साढ़े तीन हज़ार है और लड़कों का साढ़े आठ हज़ार है तो पूछा भाई एक ही मैस है एक ही जगह से खाना खाता हूँ तो कहाँ से तो पता चला कि वो लड़कियाँ जो हैं वो खाना शेयर करती हैं और वो खाना खाती नहीं है तो इस वक्त जो मुल्क की हालत है और इसी वजह से हम बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानते हैं जिनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में हैं और घर में पूरी खुराक नहीं है आपके यहाँ इस वक्त जितना भी हॉस्पिटल है इसमें जितनी बच्चियाँ भी आ रही गवर्नमेंट के आप इसे किसी तरह भी क्रॉस चेक कर सकते हैं उनमें से हंड्रेड परसेंट बच्चियों में खून की कमी है सो so, एक तरफ तो आप जेन में रखिएगा कि जो खुराक है वो अपने बड़े ही क्राइसिस पे है इसको मेट्रो लेवल पे अगर थ्योरेटिकली देखें तो बिल्कुल दिल को अपील करता है कि आप इनको खिलाएं और दिली सुकून हासिल करें जिस तरह से कि मजहबी तौर पर हमें कहा गया तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये मैं फिर पिछली बात पे रिपीट नहीं करना चाहिए बहुत सेटिस्फाइंग है लेकिन इसमें इस तरह आपकी हालत रहती है क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते हैं उतना मज़ीद काम नजर आता है ठीक है मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि कोविड के बाद कुछ खितों में मनफी असरात के नतीजे में गुरबत की सतह तीस साल से पहले रिकॉर्ड करदा सतह तक जा सकती है इतहाई मंज़रनामे के तहत आमदनी या खपत में 20 फीसद कमी के बायस गुरबत में रहने वाले लोगों की तादाद बयालीस करोड़ से अट्ठावन करोड़ तक बढ़ सकती है मुमकिन तौर तो पर कोविड नाइन्टीन वबाई मर्ज ने दो हज़ार इक्कीस में चौदह करोड़ से सोलह करोड़ लोगों को गुरबत की तरफ धकेल दिया था और ये स्टैटिस्टिक्स अभी मज़ीद बढ़ भी सकते हैं सर मैं आपकी तरफ़ आऊँगा एक तरफ तो हम रबत की बात कर रहे हैं रोज़गार की बात कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया हमें वो करना चाहिए ये तो हरफ आखिर है लेकिन अगर आपके पास फरावानी है आपके पास माल है दीनवी तरक्की है तो क्या इसको सामने रख के कहा जा सकता है कि ये बंदा बिल्कुल कामयाब है या उसको सामने रख के जो ग़रीब लोग हैं जो ख़ुराक हासिल करने से भी निचले दर्जे पे हैं उनके लिए क्या है सीखने के लिए और जिनको कोई मैसर है उन पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की दुआ मांगी थी ना तो मसाकीन के साथ मोहब्बत की दुआ मांगी थी अल्लाह ए अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत नसीब फरमा और ऐसे काम की तौफीक दे जिससे तेरी मोहब्बत पैदा होती है और जो मिसकीन लोग हैं मस्किन उसको कहते हैं जो काम भी करे काम भी करे उसके बावजूद वह अपने घर वालों की कफालत नहीं कर सकता अल्लाह तो उन उनकी महब्बत नसीब फरमाए अब Allah इसका इसका सबब क्या है जी सर मेरे मुझसे ना एक बंदे ने सवाल किया हमारे शहर के बड़, बहुत बड़े सनतकार हैं कहने लगे जी मैंने एक हदीस पढ़ी है मुझे समझ नहीं आ रही ये ऐसा क्यों है हम तो आ, ये सुनते हैं अल्लाह इंसाफ करता है तो ये क्या है कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी अगर उनके अमल बराबर हैं तो वो पाँच सौ साल गरीब आदमी पहले जन्नत में जाएगा पहले जाएगा यानी जन्नत दोनों को मिलेगी जी जी, जी। वो जो हैं दोनों इकट्ठे जा रहे होंगे एक को बुला दिया जाएगा वो पाँच सौ साल पहले जाएगा क्योंकि दुनिया में गुरबत की वजह से उसकी आजमाइश हुई थी अब वो जन्नत में उससे पहले जा रहा है मुझे कहने लगा ये क्यों मैंने कहा इसलिए आपके पास गाड़ी है दूसरे के पास साइकिल है दोनों लाहौर का सफ़र कर रहे हैं अगर बराबर पहुँचेंगे तो शाबाश किसको है तो गर्बत के अंदर असल में गर्बत में इंसान फ़कर में चला जाता है नबी तो करीम अलैहि तो वसल्लम ने सुबह और शाम के जो अजकार सिखाए उसमें यह भी था अल्लाहनी उबी का मिनल फ़क्री वलकुफ़री व आउज़ बिकम नाजा बिलकबरी तीन दफ़ा सुबह और तीन दफ़ा शाम अल्लाह से इस बात की पना मांगी फकर से लेकिन सर जिस तरह भाईजान ये बात कर रहे थे जी। खाना खिलाने की देखें दूसरों की चैरिटी और हमारी चैरिटी में एक फ़र्क होना चाहिए सूरत दहर सूरत इंसान भी उसे कहते है। उस हैं उसमें अल्लाह फरमाते हैं वयुत अमोन तमाम अलाही वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत व युतम तमाम अलाही किसको मस्किन व यतीमन व असीरा मस्किन उसको कहते हैं, हैं। जो काम करे जो और यतीम जिसकी नाबालगी में वालद फोत हो जाए व असीरा और कैदी इन तीनों को खाना खिलाना व युत अमून तमाम अलाही मस्किन व यतीम व असीरा अब खिला दिया फिर वो कहते हैं इन नमानो तीम हमने जो आपको खिलाया है ना सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए रब खिलाया। की रजा के लिए रब की रजा के लिए मादा अन मा वला शिकूरा हम ना तो आपसे कोई बदला चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं हमारा शुक्रिया अदा करो ये सिर्फ अल्लाह की रजा सिर्फ अल्लाह की, की रजा के लिए एक मुसलमान की चैरिटी और एक दूसरे की चैरिटी में यह फर्क है वो इसलिए चैरिटी करता है कि उसका नाम हो मुसलमान चैरिटी इसलिए करता है कि उसका रबराजी हो उसका काम हो उसका काम, काम हो, हो। और ये एक ऐसी ये जो है ना खर्च करना एक ऐसी बात है सर ये बहुत हसास मसला है अगर इनके लिए इनाम बहुत बड़ा है ना अगर खुदा न खास्ता इसमें रियाकारी का आंसर आ जाए ना तो इसका अजाब भी बहुत बड़ा है तीन लोग ऐसे हैं जिनको सबसे पहले जिनसे जहन्नम को गर्म किया जाएगा उनमें सबसे पहला आलमी दीन है कारी कुरान है अल्लाह कि उससे अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें इलम दिया मैंने तुम्हें कुरान का इलम दिया तो कहेगा सुबह सुबह शाम पढ़ता रहा अल्लाह ने कहा नहीं कजब त झूठ बोलता है तूने इसलिए किया था कि लोग कहें कि बड़ा ज़बरदस्त आलम था बड़ा मुकर था या बड़ा अच्छा कारी था जी तो लोगों ने कह दिया फरिश्तों से कहेगा इसे घसीट के इसी तरह गनी उसको कहेगा मैंने माल दिया इस क्या किया वो भी कहेगा अल्लाह तेरे रस्ते में खर्च अल्लाह ने कहेगा कजब त झूठ बोलता है असल में ये खर्च करना बहुत अच्छी बात लेकिन नबी करीम सल्हसम ने ग्बा को पाबंद किया कहा जिस शख्स ने हाथ दराज़ किया बग़ैर ज़रूरत के वो काम कर सकता है लेकिन नहीं करता ये जो आप मुख्तलिफ जो है हुकूमती कोशिशों की बात कर रहे हैं ना अब आप मुझे बताएं कि, कि किसी को तीन या चार हज़ार रुपया दे, दे दें और उसका क्या बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा और यकीन जानिए ये कोविड के दिनों में और उसके बाद शायद आप उस जगह नहीं गए जहाँ ये पैसे तकसीम होते हैं हर बंदे ने अपने घर एक माई रखी हुई है जिसको जो है ना वहाँ दर्ज करवाया हुआ है सात नौजवान आते हैं गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे या चांद गाड़ियों पे ये भर के लाते हैं ये खास किस्म के लोग हैं जिनका पेशा ही मांगना है इल्ला माशा वगरना जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो इस तरह नहीं निकलते नहीं निकलते और ना इस तरह लेते हैं और कोविड के दिनों में लोगों ने इतना ये आ, अपना अनाज तकसीम किया था सर लोग करते क्या थे यहाँ से खरी लिया वो पाँच हजार छः हज़ार दस हज़ार का अनाज होता था पंद्रह सौ में बेच के पैसे जेब में डाल लिया जी अब ये जो चीज़ है ना ये हमारी कौम को आगे नहीं चलने दे रही सर सॉरी टू कट यू मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर आपको भी शामिल करूँगा ये क्वेश्चन मेरा आप दोनों से मैं दोबारा वन बाय वन बात करूँगा सर आपने एक तरफ़ तो ये बात बताई मैंने इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए कोविड के दिनों में और वो मेरी जिम्मेदारी रही कि आप देखें लोगों को और वो मैंने बाकायदा स्कैम्स भी पकड़े सर एक तरफ तो ये है कि देने वाले हैं एक तरफ तो ये कि सिद्ध के दिल से अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और एक तरफ ये हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो हकदारों का हक मार लेते हैं अब आप ये भी जवाब दीजिए गुरबत है अफलास है घर में बच्चा रो रहा है बेगम बीमार है वो कहते हैं कि जी मैं अब चोरी ना करूं तो क्या करूं? मैं अगर डाका ना डालूँ तो क्या करूं बड़ी माजरत के साथ लेकिन मुझे समझना है ये भी हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए लोग इसकी प्ली ले, ले लेते हैं संभाव क्या ये उनकी माफ़ी का मौजब हो जाएंगी बात जी में? सर नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ देखें जहाँ ये देना ज़रूरी है ना जी वहाँ तहक़ीक भी ज़रूरी है आप देखें हम नमाज पढ़ते हैं और यानी एहसास करते हैं मेरे कपड़े पाक हो ये भी देखते हैं कि मैं वजू किया है या नहीं फिर उसके बाद मैं किबला रुख भी होता हूँ ये सारे आदाब को मलहू खातर रखता हूँ इसी तरह ख़र्च करने में ये अदब है कि इंसान देखे कि यह हकदार है या नहीं है हमें देखना चाहिए कि पेशावर कौन है देखें फकीर की अल्लाह ने एक तारीफ़ की है कुरान सूरत बकरा में लफ़राधीन सरूफ़ी सभी ला लायस्तिय नज़र बनफिल अर्स फ़रा वो हैं जो ज़मीन में मारने की इस्तात नहीं रखते लास्तती नजरबन फ़िलहाल यह सबोहमल जाहिलोनिया जो आदमी जानता नहीं वो उन्हें नहीं पहचान सकेगा ये फ़कीर है जिसने अपने कपड़े फाड़े हुए हैं जिसने पैबंद लगाए हुए हैं और एक हुलिया बना के सड़क पे आया हुआ है मांगने के लिए वो फ़कीर नहीं है ठीक है हाँ जी। ठीक है और सर मैं आखिरी अर्ज करनी है कि भाई जान भी ये बात फरमा रहे थे कि हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं ये हो रहा है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह रहा इनकी ज़्यादा लंबी हुकूमत नहीं थी इन्होंने हुकूमत में बैठते हुए तीन चार बातें की थी उनमें एक बात ये थी कि कोई बच्चा है अगर वो तालीम हासिल नहीं कर रहा जी पहली बात तो यह है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे अगर वो तालीम हासिल नहीं कर रहा तो फ़ारग नहीं होना चाहिए कोई नौजवान कोई बूढ़ा किसी बंदे को मैं फारग ना देखूँ और ये जो है ना कि पाबंद करना के फारग नहीं बैठना हमारे मुल्क में बहुत से लोग जानबूझ के फारग बैठे हुए गली मोहल्लों में नुकड़ों में कॉर्नर्स पे इकट्ठे बैठे हुए बिल्कुल यकीन जानिए कि सारा सारा निन्ताश खेलना दूसरे काम करना और बाद में क्या है कि हमारे पास कुछ नहीं हमें दीजिए हम गरीब हैं ये गुर्बत नहीं है ये अपने आप को खुद मारना है ठीक है और बहुत से लोग ये जो है ना जानबूझ के इस तरह यानी अपने आ, सुस्ती और काहली की वजह से यह सारा कुछ करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुस्ती और काहली से भी पनाह मांगी थी और आपने काम की तरगीब दी थी और अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत के अंदर सिर्फ दो साल के बाद जक़ात लेने वाला कोई नहीं था अल्लाह फट पर यह है हम दीन को पढ़ेंगे तो सीखेंगे सर यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी है एड ऑन दिस मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अभी दो दिन पहले बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं लोग मोहब्बत करते हैं उसका भी शुक्रिया कुछ लोग तनकीद करते हैं उसका भी शुक्रिया हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं सर एक मैसेज आता है मुझे और अर्ली मॉर्निंग मैं देखता हूँ कि अन नंबर है और एक क्यू में जब अन नंबर बहुत लंबे मैसेजेज़ आ रहे हो ही गोस के जी पता नहीं वो साहब थे साहिबा के आई डोंट नो लिखते हैं कि जी मैं बहुत मजबूर हूँ और मुझे रोज़गार की अशद ज़रूरत है और मेरे पे पैंतीस लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ चुका है घर भी मेरा रेंट का है आगे जो गौर तलब बात है यहां तक बात होती तो है तो बंदा कुछ एफर्ट करता है कोशिश करता है कि आप इस तरह कीजिए कि एक हजार बंदा अगर तीन हजार या पैंतीस सौ रुपये मुझे डोनेट करे तो मेरा पैंतीस लाख रुपए का कर्ज उतर जाएगा सर ये क्या तरीका है मैं ये नहीं कहता कि वो कोई फेक हो या कोई स्कैम हो बट अगेन चीजें तो किसी और तरफ जाती नजर आती हैं आप बेहतर समझ सकेंगे इन चीजों को एक तरफ तो ये रवैया है दूसरी तरफ हम वही बात करेंगे कि मुझे खाने को चाहिए मैं आपको लूट लूँगा मेरे घर में बच्चे भूखे हैं मैं आपका नुकसान करूँ मैं कहीं से गलत जराए से लेके आऊँ मैं किसी को चीट करूँ फ्रॉड करूँ क्या ये प्लीज जायज़ होगी देखिए पहले तो ये समझें कि जो कोई भी सखाव करता है उसके जेन में ज़्यादातर तो लोग तालीमी याफ्तर इतना शूर रखते हैं कि इसमें से वेस्टेज होगी लीकेज होगी जी आप उसकी लीकेज की एक परसेंटेज जहन में रख लेते हैं आप बिज़नेस भी करते हैं ना तो आप सोचते हैं कि इतने पैसे मैं यहाँ से कमाऊँगा और इस साइड से एक साइड से इतने मैं लूज़ करूँगा तो नेट प्रॉफिट में मैं आ जाऊँगा लिहाजा सहावत करने जितने भी डोनर्स दोस्त हमारे साथ होते हैं उन्हें पता होता है कि अंदर लीकेज का चांस है अंदर ऐसे लोग खाएंगे लेकिन दूसरी साइड से उन्हें यकीन होता है कि जो लोग खाने खाने आए लू जो जैसे हमारा ज़्यादा मेन प्रोजेक्ट जो है खाना स्कूल स्कूल खाना प्रोग्राम है ठीक है जिसमें हम गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स में खाना खिलाते हैं खाना हमारा चालीस में से उनमें जाता है और हम रोड साइड दस्तर खान बहुत कम लगाते हैं उनमें मैं आपको बता रहा हूँ अगर सौ बच्चा दाखिल होता है ना तो उसमें से अठतीस बच्चे सिर्फ पांचवी का एग्जाम देते हैं अच्छा। ठीक है तो एक तो यह बहुत ही खतरनाक हालत थी जिसमें बासठ परसेंट बच्चे स्कूल छोड़ रहे दूसरी बात यह है कि तकरीबन दो करोड़ को छब्बीस कहता है को अट्ठाईस कहता है दो करोड़ अट्ठाईस लाख बच्चा जो है वो आपका आउट ऑफ स्कूल है जो स्कूल आया ही नहीं है अभी मैं बाकी उनकी बात करूँ जो स्कूल आए हैं और हमारा सिस्टम उन्हें रिटेन नहीं कर सका जी। अच्छा अब उसमें हम नंबर वन है दुनिया में वैसे हम पांचवें नंबर पर है इस तरह नंबर वन है सो बात यह है कि जो आप इस इस लिहाज से चैरिटी में जी, जी अगर अगर जितने भी लोग हैं वो चैरिटी में ज्यादातर प्री क्वालिफिकेशन रखते हैं जब फैमिली को उसके लिए लेते हैं ना हम लोग भी लेते हैं जब उसके लिए राशन के लिए तो उसकी प्री क्वालिफिकेशन होती है उसकी जाके हम चेकिंग वगैरह करते हैं सो तो बात यह है कि अभी हम जिस धहाने पे बैठे हुए हैं इसमें दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा जिस तरह पहले मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को बिजनेसमैन को उसको तो इसमें आप आलम दीन भी मिला लें इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्योंकि जो आगे जिन खड़ा है ना गुरबत का और भूख का वो बहुत बड़ा है और आपको पता है कि गुरबत और भूख अल्टीमेटली हेल्थ प्रॉब्लम में आती है तो ये एक विशेष साइकिल है जिसमें कि अल्टीमेटली आपके हेल्थ सिस्टम पर भी बोझ पड़ता है तो वो जो है ना वो चलेगा लेकिन आप अगर अगर तो आप इतना बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो तो बिल्कुल मेरा ख्याल है करना चाहिए लेकिन तब तक जब तक उतना बिज़नेस क्रिएट नहीं होता तो उसको सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है इस ठीक है सर मैं आपकी तरफ दोबारा दोबाराऊँगा ये फरमाई गई नबी मक्रम सल अल्लाह वसलम ने फ़कीरी से पना मांगी है गुरबत से पना मांगी है और इसकी बाकायदा दुआ भी फरमाई है तो इस बारे में भी बताइए सर अगर मुझे इजाज़त दें तो आपने एक सवाल किया था तो सर ने उसका जवाब जो है ना शायद भूल गए हैं कि एक शख्स कहता है कि मेरे घर खाने को नहीं है मैं चोरी करूं किसी के साथ ज़्यादती करूं इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कतान और वो ये है कि सिर्फ़ फमनस्तर बाग़िन वला आदन फला इसम आलई जो मुजर है और वो इस कैफियत में पहुँचा है कि ज़िंदगी मौत के लाले पड़ गए हैं कि वो अगर वो नहीं लेता तो मर जाएगा तो कहा सिर्फ़ इतना सा हराम लुकमा ले लो कि जितना तुम्हारी जान बच जाए फम ये कुरान में है, है। यानी सूरत बकरा के अंदर गैर बान वला आदन फ़ला इसमान उस पर कोई गुनाह नहीं है जो सिर्फ़ अपनी अयाशी के लिए या पेट भरने के लिए किसी को लूटता है या किसी की चोरी करता है इस बात की कतानी इजाज़त नहीं है ये एक बात अमूमी तौर पे हमारे मीडिया पे कही जाती है कि हजरत उमर के दौर में कहत पड़ा तो चोर को सज़ा नहीं मिली थी ऐसा कोई नहीं है यानी तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं हमें मिलती देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फातमा बिनत कैस का जिक्र हुआ कि उस उसकी सिफारिश के लिए आए तो आपने फ़रमाया लऊकान फ़ातिमा तो बिन तो महमदिन सल वसम लातहा अगर वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता तो आ, अब सवाल आपने मुझसे ये फ़रमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर से पना जी इसमें कोई शक नहीं नबी करीम वसल्लम फ़जर की नमाज़ के बाद सबसे पहले तीन चीज़ों का सवाल करते थे जी नंबर एक इलम का अल्लासू का नाफिया एल् में ऐसे इलम का सवाल करता हूँ जो नफा मंद हो दूसरा सवाल व रज इस्लाम के अंदर सिर्फ रिज़ के हुसूल की कोशिश ये नहीं है रज के तयब ज़रूरी है अगर अल्लाह ने कहा यादीन अमन वुल्लू मिन तय्यबा आतिमा रजक एहल ईमान मैंने तुम्हारे लिए जो रोज़ी रखी है ना उसमें तैयब खाना जी। अब हमारे अंदर मोहतरम कनात नहीं है हमारे अंदर एतमाद नहीं है अल्लाह पे भरोसा नहीं है इसलिए एक आदमी वो जिसे अल्लाह ने माल ना दे के आजमाया हुआ है जी। उसे अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह उसे रिजक दे। देखिए नबी सल्ला वम दूसरी दुआ जो मांगी वरिज कन और तीसरी व अमल मुतकबला ऐसा अमल जो कबूल हो यह अमल आपकी मेहनत भी हो सकती है और अल्लाह का कानून और उसूल है लई सल इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की अब एक इंसान बुराई के लिए कोशिश करता है उसकी कोशिश को अल्लाह फल लगाता है उसे बुराई मिलती है एक आदमी नेकी के लिए कोशिश करता है और उसकी कोशिश का उसे फल मिलता है, है अल्लाह ऐसा मुमकिन ही नहीं कि एक आदमी कोशिश भी करे अल्लाह उसका रिटर्न उसे ना दे ऐसा नहीं हो सकता और सर बाज़त ऐसा होता है ये जो इससे पहले जितनी बातें हुई हैं मैं एक दीन का तालबिल्मूँ इक्नॉमिक्स के असूलों के मुताबिक आपकी बातें सौ फीसद दुरुस्त हैं लेकिन एक दीन के तालब इम होने की हैसियत से मेरा नज़रिया ये है रिजक की अल्लाह के हाथ में है ठीक है अल्लाह है। फरमाते हैं ना कसम ना बेना मैंने इस मीशत को तकसीम किया हुआ जिसके हाथ में है इन अल्लाह रिजक, रिजक अल्लाह के पास है उसकी कमांड एंड कंट्रोल भी उसके हाथ में है। फिर क्यों ना उससे मांगे बेशक, बेशक। तो जो शख्स अल्लाह से रिजक मांगता है और याद रखें रिजक उस वकत छिनता है हम पानी का रोना रोए हैं कि पानी जा रहा है ये पानी किसके पास है सूरत मुलक की आखिरी आयत पढ़ के दे दें अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं इस पानी को नीचे ले जाऊं कौन है वापस लाने वाला अल्लाह जो हमारा रब है रब जो सारे जहानों का रब है जो पानी को नीचे ले गया है वो ऊपर भी ला सकता ला सकते है ला सकते। जो रिजक जो ले रहा है अब सवाल ये पैदा होता है मिन मिनसुल कौम हम जो गुरबत की तरफ जा रहे हैं ये आखिर क्यों है अल्लाह ने इसका भी कुरान में तस्करा किया सूरत तो है अल्लाह फरमाते हैं वमन आ रजा अन जिक्री इन लहू मीशत का जब हमारे जिक्र से इराज करोगे ना अल्लाह अकबर मैसेज आ गया सर आपका बिल्कुल बिल्कुल वमन आ रजा अन जिक्री फ इन न लहू मीशत का मैं मा, तुम्हारी मीशत तुम पे तंग कर दूंगा, तंग कर दूंगा। अब उस तंगी से निकलने का एक रास्ता तो कोशिश है जी। लेकिन एक रास्ता अल्लाह से अल्तजा का है जो सबसे पहला रास्ता है हाँ जी सबसे पहला सब नहीं पहला रास्ता कोशिश है कोशिश है ठीक है दूसरा रास्ता अल्लाह से इलतजा इलतजा है उससे मदद तलब करना यजअल यजा मखरजा जो इंसान अपने अंदर खौफ खुदा पैदा कर लेता है ना तखबा पैदा कर लेता है अल्लाह उसे मुसीबतों से निकाल देता है ठीक वुख हो मिनहई ला यहा और ऐसी जगह से रिजक देता है उसको सोच, भी, भी, नहीं सोच सकता। भी नहीं सकता इसी तरह जो शख्स अपने गुनाहों पर नादम के अल्लाह से माफी मांगता रहता ना। है ना यह मखर अल्लाह उसे भी मुसीबतों से निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजियां अता करता है वो सोच भी नहीं सकता ठीक है ठीक है माशा माशा ये मैसेज तो आ गया मुझे ब्रेक पे जाना एक मैसेज मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि क्या किया जाए इस दिन के हवाले से इनफरादी तौर पर और इज्तमाही इनफरादी तौर पर तो मैंने आपको बता दिया कि आप अदर दैन जो भी मौलाना साहब ने कहा है उन सब चीज़ों के बाद पहले आप अल्लाह से मांगें आप गिड़गिड़ाएँ आप उनसे तोफ़ी मांगें हर चीज़ ठीक है उसके बाद आप प्रैक्टिकली भी कुछ करें जी ठीक है अगर आप प्रैक्टिकली एक स्टेप लेंगे कोला भी सत्तर स्टेप लेगा आपकी तरफ़ तो लिहाजा पहले तो ये है कि प्रैक्टिकली कुछ करें और दूसरा पहले ही मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट बिज़नेस मैन और जो कम्यूनिटी है ये आपस में मिल के काम करेंगे तो इसमें कोई इसका हिसाब पड़ेगा तीसरी और आखिरी बात जो है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो वर्डिक्ट है फेथ की और जो प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस हैं इसमें थोड़ा गैप आ गया है और प्रैक्टिकली कई चीज़ें जो हैं उसमें लोगों को ट्रांसलेट करने में मुश्किल हो रही है आ, आप मुझे दीन सिखाते हैं लेकिन जब मैं घर जाता हूँ मेरा बच्चा रोता है तो वो कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने कहा कि फ़कर से यानी वो मा, कि किसी ने पूछा किसी से कि तू तो कौन है उन्होंने कहा जी पुखा हुआ पुख्वा ठीक येस, है सो so, उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा ज़ा ख्याल ये है ये बिल्कुल मेरी पर्सनल राय है इसमें एतराज़ किया जा सकता है कि जो जितना फेथ है उसको जो जितनी तलीम और इल्म इस वक्त साइंसी तौर पे अवेलेबल है इन दोनों को मिलकर इसका सलूशन करना पड़ेगा आप किसी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े होकर आप हर चीज़ों का हल नहीं कर सकते मेरा ख्याल है कि फेथ को हर हालत में अम्ब्रेस करना पड़ेगा सो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज है और उसके मुताबिक एक्ट करना पड़ेगा रादर दन बातें करने के ठीक है दैट मेक सेंस जो बात आप करें उस एंगल से अगर आप इस जगह को देखें तो ये मिलती हुई नज़र भी आती है ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया जी मैं अपने दोनों माजस मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ मौजूद रहे जनाब शाहिद लोन साहब चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट सर प्लेयर हैविंग यू इंशाल्लाह फिर चाहेंगे कभी एक सेटिंग करें और मजीद इस पर गुफ्तु कर सकें इनके साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौलाना असद महमूद सल्फी साहब आलमदीन सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके सर इन अल्लाह करे ऐसी मुलाकातें चलती रहें और हम आपसे भी सीखते रहें थैंक यू वेरी मच ये जी हमारा सेगमेंट रहा लेकिन बात यही है सीखने की कि अल्लाह से जस्तजू करें अल्लाह से पूछें अल्लाह से बात करें अपना फ़ेथ स्ट्रॉग करें लेकिन प्रैक्टिकल भी हो ये अल्लाह ताला का फरमान है आप कोशिश करें और फिर अल्लाह ताला से जस्तजू लगा के रखें अल्लाह ताला से रबा रखें तो फिर मामला बेहतर भी हो सकते हैं बाकी ग़र्बत के मामला जो हैं ये भी कट जाएंगे इस दुनिया में जितना वक्त है वो भी कट जाएगा ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा वक्त और किन हालात में अच्छा वक्त गुजार सकते हैं बाकी अल्लाह ताला से अच्छे की दुआ कर सकते हैं मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा